सुप्रभात विद्यार्थी, आज हम हिंदी व्याकरण पार्ट 5 संज्ञा के विकार के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं पार्ट 5 संज्ञा के विकार। संज्ञा शब्द विकारी होते हैं, इसलिए प्रयोग करते समय इनके रूप में विकार उत्पन्न हो जाते हैं। संज्ञा में यह विकार 3 कारणों से होता है, लिंग, वचन, कारक। लिंग के बारे में आइए पढ़ते हैं हम। सबसे पहले लिंग, लड़का और लड़की स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, धोबी और धोबी कपड़े धो रहे हैं। इन उपरोक्त वाक्यों में लड़का व धोबी शब्दों से उनके पुरुष जाति तथा लड़की धोबिन शब्दों से उनके स्त्री जाति होने का ज्ञान हमें लिंग द्वारा हो रहा है। परिभाषा देखते हैं लिंग की। संज्ञा शब्द के जिस रूप से किसी पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो वह स्त्रीलिंग कहलाता है। लिंग के दो भेद होते हैं, पुरलिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, लिंग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुरलिंग। ठीक है, पुरलिंग के बारे में पढ़ते हैं। संज्ञा शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की पुरुष जाति का बोध हो वह पुरलिंग कहलाता है। जैसे हिरन, नौकर, स्टेशन, अखबार आदि, है ना। जहां पे लड़कों का जाति दिखाता है वहां पे क्या होता है? पुरलिंग, स्त्रीलिंग। संज्ञा शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि की स्त्री जाति का बोध हो वह स्त्रीलिंग कहलाता है। जैसे हिरनी, नौकर का नौकरानी, नदी, कुर्सी आदि। पुरलिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम हैं, आ या ई लगाकर। ठीक है, जैसे पुल्लिंग में अनुज, छात्र, आचार्य। स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? वो अनुजा, छात्रा, आचार्य का आचार्य। ठीक है, फिर सेकंड में देखिए यहाँ पे लिखा है पुल्लिंग, देव का देवी, चाचा का चाची, पुत्र का पुत्री, जैसे भाई का बहन। ये होता है आप लोग का स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। नेक्स्ट पेज में देखते हैं या नी लगाकर बताना, पुरलिंग, कुत्ता का कुतिया, बूढ़ा का बुढ़िया, गुड्डा का गुड़िया। ठीक है, वैसी ही इस साइड भी देखिए पुरलिंग लिखा है, ऊंट का ऊंटनी, मोर का मोरनी, शेर का शेरनी। आइन या आनी लगाकर, ठाकुर का ठकुराइन, चौधरी का चौधराइन, पंडित का पंडिताइन। पुरलिंग, सेठ का सेठानी, देवर का देवरानी, मेहतर का मेहतरानी। ठीक है, ईका या इन लगाकर, ईका जैसे बालक, ठीक है, लेखक, नायक, ऐसी ही उसका बालक का क्या हो जाएगा? बालिका, लेखक का लेखिका, नायक का नायिका। उसके बाद देखिए माली का मालिन, पापा पापी का पापिन, धोबी का धोबिन। मान को मति और वान को वती में बदलकर पुल्लिंग, श्रीमान का श्रीमती, बुद्धिमान का बुद्धिमती, आयुष्मान का आयुष्मती, भगवान का भगवती। उसके बाद गुणवान का गुणवती, बलवान का बलवती। ठीक है, कुछ संज्ञा शब्द लिंग बदलने पर पूर्ण रूप से बदल जाते हैं, जैसे पति का पत्नी हो जाता है। ठीक है, पिता का माता हो जाता है, साधु का साध्वी होता है, विद्वान का विदेशु, बैल का गाय हो जाता है, कवि का कवित्री होता है। ठीक है, ये क्या है? कुछ संज्ञा शब्द लिंग बदलने पर पूर्ण रूप से बदल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया है वचन, वचन बदलना है। जैसे ये इसमें एक का बहुत सारा करना है ना, जैसे एक ठो माला है तो उसे कितने हो जाए? जैसे 1 2 3 4 4 मालाएं हैं तो ये क्या हो जाएंगे? बहुत सारे हो गए, है ना। एक माला और उसका बहुत करना है ना, वचन को बदलना। तितली का तितलियां ऐसा बोलते हैं, इसको वचन बदलना बोलते हैं। उपरोक्त शब्द एक अथवा एक से अधिक होने का बोध करा रहे हैं, जैसे संख्या में एक का माला तितली, संख्या में अनेक का मालाएं और तितलियां।
आइए वचन का परिभाषा पढ़ते हैं। संज्ञा शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चले वह वचन कहलाता है। वचन के भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन के बारे में पढ़ते हैं। संज्ञा शब्द के जिस रूप से किसी एक व्यक्ति, वस्तु आदि का बोध हो वह एक वचन कहलाता है, जैसे स्त्री, कपड़ा, पुस्तक, पत्ता आदि। बहुवचन में क्या हो जाएगा? संज्ञा शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों आदि का बोध हो उसे वह बहुवचन कहलाता है, जैसे स्त्रियां, कपड़े, पुस्तकें, पत्ते आदि। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। अ को ए में बदलकर, रात का राते, बंदूक का बंदूके, सरकार का सरकारे, सड़क का सड़के, अदालत का अदालते, आंख का आंखे। ठीक है, दूसरे पेज में देखते हैं। आ को ए में बदलना। रुपया का रुपये, पपीता का पपीते, बूढ़ा का बूढ़े। ठीक है, पंखा का पंखे, रास्ता का रास्ते, तकिया का तकिए। आ के साथ ए जोड़कर लगाना। कक्षा का कक्षाएं, लेखिका का लेखिकाएं, अध्यापिका का अध्यापिका। ठीक है, योजना का योजनाएं, पुस्तिका का पुस्तिकाएं, परीक्षा का परीक्षाएं। उसी तरह देखिए यहाँ पर भी पूरा दिया है, उसके बारे में दिया है। उसके बाद लास्ट में देखिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका रूप नहीं बदलता, जैसे साधु, पेड़, फूल आदि, परंतु इनके साथ ने, पर, में या आदि से आदि लगाने पर उनका रूप बदल जाता है। जैसे एक वचन में साधु तपस्या कर रहा है, तो साधु का क्या हो जाएगा? साधुओं ने तपस्या कर ली। ठीक है, बहुवचन में उल्लो मतलब चेंज हो जाएगा। जैसे एक बोल रहा है वो साधु तपस्या कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? साधुए तपस्या कर ली। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में देखेंगे कारक। कारक के बारे में हम पढ़ते हैं। कारक में यहाँ पे दिया गया है, निशा मीना बहन है। निशा और मीना क्या है? दोनों बहने हैं। तो उसको हम लोग बदल के कैसे, निशा मीना की बहन है ऐसे बताएंगे। टोकरी आम है, तो क्या बोले? टोकरी में आम है। सिपाही चोर पकड़ा, सिपाही ने चोर को पकड़ा। ठीक है, ऐसे बताना है आपको, कारक बदल देना है इसमें। उपरोक्त चिन्हों के नीचे दो दो वाक्य दिए गए हैं, इन्हें पढ़ने पर हमें पता चलता है कि प्रत्येक चित्र के लिए दिया गया पहला वाक्य गलत अथवा दूसरा वाक्य सही है, क्योंकि दूसरे वाक्यों में क्रमशः की, में, ने व को के प्रयोग से वाक्य के शब्दों में आपस में संबंध ज्ञात हो रहा है। शब्दों को आपस में जोड़ने वाले इन शब्दों को कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप के द्वारा उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों, विशेषकर क्रिया के साथ पता चलता है, कारक कहलाता है। ठीक है, कारक के 8 प्रकार होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदाय, अपादान, संबंध, अधिकरण और क्या है, लास्ट में संबोधन। ठीक है, कारकों के विभक्ति चिन्ह का एवं वाक्य प्रयोग। कर्ता में क्या हो जाएगा? ने लगता है। ठीक है, कर्म में को, कारण में से, के द्वारा। ठीक है, संप्रदाय में को और के लिए, अपादान के लिए से अलग होना। ठीक है, जैसे कर्ता में ने लगाया, रीमा ने खाना खाया, कर्म में क्या होगा? मैंने अपने मित्र को पत्र लिखा। करण में क्या हो जाएगा? निशा ने चम्मच से खाना खाया। संप्रदाय में को लिए हो जाएगा, है ना। ये के द्वारा के लिए भी देखिए, सेठ जी ने कुछ सामान नौकर के द्वारा घर भिजवाया। और संप्रदाय में होगा, उसने अपने मित्र को फूल दिया। के लिए, विनय अपनी मम्मी के लिए साड़ी लाया। अपादान, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट में संबंध। संबंध में क्या क्या लगता है? विभक्ति चिन्ह देखिए, क, की, के, रा, री, रे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे संबंध में क्या आएगा, यह घर राजेश का है, मैं दिल्ली की कॉलोनी में रहता हूँ, नेहा के पिता सिपाही है, मेरा भाई लखनऊ से आया है। री लगाना, तो मेरी माता जी बाजार गई है,
मेरे पिताजी कहाँ हैं। ठीक है, अधिकरण में टोकरी में फल रखे हैं, पर कुर्सी पर कमीज रखी है। संबोधन हे और अरे लगाना, हे ईश्वर, देखिए यहाँ पे लिखा, यहाँ पे देखिए चिन्ह लगा है संबोधन का, वो देखना, सब पर कृपा करो। फिर अरे वाला, अरे भाई, संबोधन चिन्ह देखिए, मेरी बात तो सुनो। ठीक है, ये आप लोग का संज्ञा के विकार कंप्लीट होते हैं बेटा। टुडेज वर्क कंप्लीट। थैंक यू।